हेलो क्लास 7, आई होप सभी हेल्दी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपका जो नोट्स हैं वो भी बना रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि हमने बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर वन था, हमने पूरा करवा दिया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पूरा उसको एक्सप्लेन करवा दिया था हम लोगों ने, है ना। तो आज बेटा, आज की क्लास में बेटा जो कीवर्ड्स हैं क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के, उनकी स्टडी करेंगे, है ना। तो सब लोग देखते हैं, इसमें पहला कीवर्ड्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक। क्या होती हैं ये वेरियस एक्टिविटीज विच आ फार्मर नीड टू डू ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए, कई सारी एक्टिविटीज जो कि एक फार्म जो आपका फार्मर होता है, कल्टीवेशन जो क्रॉप का कल्टीवेशन के दौरान की जाती हैं, यानी एक क्रॉप को जब उगाता है कोई किसान, कल्टीवेट करता है, तो उसके दौरान कई सारी एक्टिविटीज करी की जाती हैं, उन्हें कलेक्टिवली रूप से क्या बोल देते हैं हम, उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल देते हैं, है ना। तो बेटा ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहली आपकी है प्रिपरेशन ऑफ लैंड, सेकेंड है सोइंग, थर्ड है आपकी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स है हार्वेस्टिंग और लास्ट वाली है सबसे स्टोरेज, सेवन्थ, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कीवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एनिमल जो रियर्ड मीन क्या होता है, पालन। रियर्ड मीन क्या होता है बेटा, पालन या पालना किसी चीज को, है ना, जो आपकी किसी का पालन करना। तो बहुत सारे एनिमल्स है वो क्या आपका घर पे या किसी एक पर्टिकुलर फार्म पे लार्ज स्केल पे पाले जाते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे क्या है आपका दूध वगैरह है, दूध वगैरह के लिए या फिर मांस वगैरह के लिए। तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब बेटा अगला है नेक्स्ट क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। देखिए कि जब क्या बहुत सारे प्लांट्स हैं, सेम प्रकार सेम काइंड के प्लांट्स हैं, एक ही क्या आपका ग्रो किए जाते हैं एक ही जगह पे लार्ज स्केल में, तो बेटा वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, क्रॉप, है ना। तो बेटा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी वीट की क्रॉप है, बहुत सारे प्लांट हैं एक ही प्लेस पर, एक ही खेत में लगे रहते हैं, एक ही फील्ड में लगे रहते हैं और लार्ज स्केल पर लगे रहते हैं, तो बेटा उससे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉप। फोर्थ देखिए बेटा इसमें फर्टिलाइजर्स, वॉट इज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। देखिए जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो हम कह सकते हैं मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए जो आपका फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, अब जो आपकी सॉइल को कोई भी ह्यूमस है, कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक। आगे देखते हैं बेटा इसमें व्हाट दे वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। लेकिन जो आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, वो क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं, कोई भी ह्यूमस नहीं देते, लेकिन क्या होता है इनमें क्या न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो क्या ज्यादा होती है, है ना। और बेटा यदि जो आपको फर्टिलाइजर से, इसमें एक बात नहीं लिखी है मैंने, यदि हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करें, यानी ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इफेक्ट होती है, है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है, जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका, फिफ्थ देखते हैं हम लोग ग्रेनरीज। व्हाट इज ग्रेनरीज, ग्रेनरीज आर स्टोर हाउस वेयर द फार्मर कीप देयर ग्रेन फॉर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। देखिए
ग्रेनिक जो ग्रीनरी जो होती है आपकी बेटा, वो क्या होती है, स्टोरेज हाउस होता है, जहाँ पर जो किसान होता है, जिसने जो जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन में हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए जगह क्या होती है, ग्रीनरी। उसे हम क्या कहते हैं, उसको ग्रीनरीज कहते हैं, ठीक है। ग्रेन को स्टोर किया जाता है ना ग्रीनरीज में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें सिक्स, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखिए जो क्रॉप होती है बेटा, उसके मैच्योर होने के बाद में, क्रॉप के मैच्योर होने के बाद में क्या होता है कि जो क्रॉप को काट लिया जाता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेवंथ कीवर्ड है आपका इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवेल्स कॉल्ड इरिगेशन। देखिए क्रॉप्स में वाटर की सप्लाई एक रेगुलर इंटरवेल्स पे है ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। और बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि इरिगेशन के कई सारे जो मेथड्स होते हैं, टू टाइप के मेथड होते हैं है ना, कौन कौन से, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में जो क्या था आपका, जो दखेली थी या फिर आपका जो बैल वाला था ना, उससे हम कहते हैं और करते थे। लेकिन जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न में हम कैसे करते हैं, जो आपका ड्रिप इरिगेशन है या फिर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है ना, तो ये क्या होते हैं आपके मॉडर्न मेथड्स होते हैं। आगे देखिए इसमें एट, खरीफ। हम खरीफ क्रॉप भी कह सकते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स लाइक पैडी मेज। देखिए ऐसी क्रॉप्स जिनको हम क्या रेनी सीजन में बोते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं है ना। और जैसे क्या है आपका पैडी है, मेज है जो आपका जो कह सकते हैं मक्का है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका नाइन, मैन्योर। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड एडेड टू द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी देखिए जो आपका मैन्योर होता है बेटा, वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जो कि, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जो कि क्या होता है, प्लांट और जो आपका एनिमल वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से मिलता है ना, इससे डिकम्पोजिशन से मिलता है। और क्या होता है, जो प्लांट के लिए क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, प्लांट और सॉइल दोनों के लिए हेल्दी होता है। और बेटा जो मैन्योर होता है, मैन्योर से हमें बहुत ही मात्रा में ह्यूमस ह्यूमस मिलता है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, अगला था टेंथ, प्लो। प्लो इज द टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन एंड इट हेल्प इन टिलिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स। देखिए जो क्या होता है प्लो, क्या होता है, एक टूल होता है, एग्रीकल्चर टूल होता है जो कि लोहे का या लकड़ी का बना होता है ना, और इसकी हेल्प से बेटा जो हम सॉइल की टिलिंग करते हैं, जुताई करते हैं या फिर इसको क्या लूज करते हैं, और बेटा इसकी हेल्प से हम लोग जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको भी रिमूव करते हैं है ना। आगे देखिए बेटा इसमें अगला है इसमें 11, रवि। रवि को हम रवि क्रॉप्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स लाइक वीट ग्राम मस्टर्ड। देखो ऐसी क्रॉप जो कि क्या है आपकी सर्दियों की सीजन में, विंटर सीजन में बोई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे दे रखा है वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सभी रबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें 12, सीड्स। अब बेटा सीड्स क्या होते हैं, द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज कैपेसिटी टू ग्रो इन टू न्यू प्लांट ऑफ सेम काइंड। देखिए हम कह सकते हैं जो सीड है आपका, एक हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, छोटा हार्ड पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है एक नया प्लांट ग्रो करने की, नया प्लांट ग्रो करने की सेम काइंड का, यानी पेड़ की तरह ही क्या होती है आपका, देखो पेड़ की तरह ही जिससे क्या होगा अपना दूसरा प्लांट है वो ग्रो करने की कैपेसिटी होती है इसमें है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
13 साइलो. व्हाट इज साइलो? साइलो इज सिलेंड्रिकल कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लार्ज स्केल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट. देखिए साइलोज क्या होती है बेटा, साइलो क्या होती है आपकी, सिलेंड्रिकल आपका कॉन्क्रीट से बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी, है ना, जिसमें क्या ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लार्ज स्केल पर. जो आपके रैट्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, से क्या रैट्स हैं आपके, इंसेक्ट हैं, उनसे बचाने के लिए साइलोज में जो ग्रेन है उसको स्टोर किया जाता है. ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें. 14 सोइंग. सोइंग मीन पुटिंग द सीड इन टू सॉइल सो डैट दे कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इन टू न्यू प्लांट. यहां पे न्यू रह गया, न्यू प्लांट, है ना. देखिए जो सोइंग क्या होती है बेटा, सोइंग का मीन क्या होता है कि हम सीड को क्या है आपकी सॉइल में रखते हैं, जिससे कि वो जो आपका सीड है वो क्या आपका जर्मिनेट होकर नए प्लांट को बना ले, नए प्लांट को जन्म दे, है ना. नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें 15 स्टोरेज. स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे कैन बी यूज फर्दर. देखो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फूड ग्रेन होता है उसको लंबे समय तक स्टोर रखा जाता है, जिससे कि उसका लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके, है ना, लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके. आगे देखिए बेटा थ्रेसिंग. आगे देखिए थ्रेसिंग, व्हाट इज थ्रेसिंग? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप. हार्वेस्टेड क्रॉप में द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. देखिए जो आपके हार्वेस्टेड क्रॉप में क्या होता है, ग्रेन जो आपके ग्रेन होते हैं और जो चाफ होता है उसको अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रेसिंग कहते हैं. जो चाफ होता है, चाफ को हम कह सकते हैं कि एकदम कचड़ा सा होता है ना, एकदम उसमें जो जिसको हम खा नहीं सकते, अनएडिबल जो पार्ट होता है प्लांट का वो क्या आपका चाफ होता है. चाफ है उस, जैसे चाफ में क्या आता है, पत्तियां आती हैं, स्टेम के टुकड़े आते हैं, है ना, पीसेस ऑफ स्टेम आते हैं, जो सभी के आपका चाफ होते हैं. चाफ को क्या आपका बाहर निकालना, है ना, चाप से अलग करना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रेसिंग कहते हैं. अब बेटा देखिए नेक्स्ट है आपका वीड्स. व्हाट इज वीड्स? द अनवांटेड प्लांट विच मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स. देखिए जो आपके वीड्स होते हैं बेटा, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के साथ नेचुरली ही क्या ग्रो कर जाते हैं, नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं. वीड्स हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स. और वीड्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं क्रॉप प्लांट के लिए. क्यों होते हैं? आप सभी को पता है कि ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं. जो क्रॉप होती है ना, क्रॉप जो प्लांट होते हैं उससे क्या कॉम्पिटिट करते हैं, और उनका जो उनकी जो हिस्से की क्या होता है, आपके सनलाइट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, सबको रिसीव कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका क्रॉप प्लांट बहुत ही ज़्यादा कमजोर वीक रह जाएगा और जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या कम होगा. तो बेटा जो आपके वीड्स होते हैं वो क्या हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, है ना. अगला देखिए बेटा वीडिसाइड, है ना. अगला देखिए वीडिसाइड, ये आई है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे. वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. देखिए वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे क्या है आपके 2,4-D है, ये क्या है केमिकल है, इससे क्या है वीड्स को कंट्रोल किया जाता है. वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. देखो जो वीडिसाइड्स होते हैं बेटा उनको हम स्प्रे करते हैं फील्ड में वीड्स को मारने के लिए. तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें. 19 विनोइंग. व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एडिबल ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय यूजिंग एयर दैट हैज सम स्पीड. देखिए जो विनोइंग होती है बेटा, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रेन है, ग्रेन को चाप से अलग किया जाता है यूजिंग एयर, एयर का यूज करके
जिसमें क्या होती है, एयर में थोड़ी सी क्या होती है, स्पीड होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपकी हवा में जो ग्रेन्स होते हैं उनको हिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका चाफ होता है वो बिल्कुल से सेपरेट हो जाता है ना। तो बेटा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विनोइंग, या फिर हम कह सकते हैं इसको हिंदी मीन होता है फटकना, या फिर उसको कह सकते हैं फटकना, है ना। तो बेटा ये आपका चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सबकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।